हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यूट्यूबर मीनाक्षी और आज हम बात करेंगे काले धागे के बारे में। देश के प्रधानमंत्री समेत बॉलीवुड के कई सितारों को आपने काला धागा पहने हुए देखा होगा। हिंदू धर्म के अनुसार इस धागे को पहनने का कारण नकारात्मक ऊर्जा को अपने से दूर करना है। अक्सर किसी न किसी के हाथ पे या पैर पे काला धागा बंधे हुए दिख जाता है। कुछ लोग बुरी नज़र से बचने के लिए इसे पहनते हैं और कुछ लोग शौक में पहनते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार काले धागे को पहनने का कारण नकारात्मक ऊर्जा को अपने से दूर करना है। आमतौर पर काले रंग को अशुभ माना जाता है और शुभ कामों में इसका प्रयोग वर्जित होता है, लेकिन जब बात काले धागे की आती है तो लोग इसे पहनना काफी शुभ मानते हैं। मान्यता अनुसार काले धागे का प्रयोग करने से राहु ग्रह अच्छा होता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन इस धागे को शनिवार के दिन सीधे हाथ की कलाई पर बांधना चाहिए। काला धागा राहु ही नहीं बल्कि केतु और शनि ग्रह को भी मजबूत करता है। इस धागे का संबंध भैरव से भी माना जाता है। भैरव के मंदिर में चढ़े काले धागे को पहनने से बुरी नजर से बचा जा सकता है। कुछ राशि वाले लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें धागा पहनने से बचना चाहिए। अगर इन राशियों के लोग अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर काला धागा बांधते हैं तो ये शुभ फल की बजाय बुरे फल देने लगेगा। तो उसमें पहली राशि है मेष राशि और दूसरी है वृश्चिक, और इन दोनों ही राशियों का स्वामी ग्रह मंगल होता है, इसलिए इन दो राशि वालों को, मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को, काला धागा पहनने से बचना चाहिए, वरना इनको अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स एंड टेक केयर।